खुशियाँ उमंग हैं और हर तरफ खुशियाँ भरमार हैं। भाई होली का त्योहार ही ऐसा होता है जहाँ पर रंग गुलाल अबीर तोड़ता है, इसके साथ ही होते हैं गीत, मस्ती और बहुत कुछ भाई। और इस बीच अगर कुछ गीत ना हो, वो भी फाग गीत ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? होली का रंग जरा फीका ही होगा। फिलहाल मैं इस समय मौजूद हूँ ब्रज भूमि में और मेरे साथ में खुदा बख्श, बाबूलाल और उनकी पूरी टीम मौजूद है। हम जरा जान लेते हैं कि होली की इस मस्ती में आखिर वो किस तरह से चार चांद लगा रखे हैं अपने ही अंदाज में। जरा कुछ हो जाए। पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होलिका जी की। हमारे ब्रज को सबसे सुंदर त्यौहार है ये, प्रेम का प्रतीक है ये। आइए थोड़ी देर के लिए अपने कष्टों को निवारण देते हुए होलिका जी मिलन समारोह का ब्रज में आनंद लेते हैं, सबसे पहले ब्रज वंदना के साथ। ब्रज चौरासी को सिकी परिक्रमा लख देत, जो लख चौरासी कोस के संकट हरी हर ले। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले हो, दर्शन कर ले हो, सिमरन कर ले हो, पलदन कर ले हो जी, लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन खेलन बरसाने आ गई हो नटवर नर्द के शो, भाग खेलन बरसाने आ गई हो नटवर नर्द के शो।
बिल्कुल भाई, ये तो देखिए राधे के बिना श्याम अधूरे और श्याम के बिना वो भी अधूरी। और भाई जब अगर श्याम राधे हो साथ तो कोरोना से कैसे हो डरने की बात, गामा जी मैं सही बोल रही हूँ? और मुझे लगता है कि भाई कोरोना तो भाग ही जाएगा, और शायद उसे भी ये भी पता है कि भारत में कृष्ण भक्त ऐसे हैं, भारत में इस तरह के रंग हैं कि शायद वो कोरोना पर भी चढ़ जाए, तो कोरोना भी रंगीन होकर जाने वाला है इस बार। बिल्कुल जाएगा नहीं यार, ऐसा कर देगो कोरोना अपनो श्याम श्वेत कलर ये दिखाई नहीं देगा भारत में, हमें पूरा विश्वास है। बोल रसी भारे की जय। होरिका में जड़ जाएगो पजर जाएगो कोरोना, मगर भारत में नहीं आएगा, यूपी में तो कतई नहीं आएगा। हाँ जी, और एक फागुन का ही रस लेते हैं क्यों? ओ रंग डार गयो रे मोपे सावरो, क्या बात है। खुदा बख्श बाबूलाल, जो पूरी टीम है वो तो एकदम अलग ही समा बांध रही है। आप देखिए जब आप शहनाई की बात करते हैं तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि शादी ब्याह के जब ऐसा कुछ मौका होता है तब हम शहनाई सुनते हैं, लेकिन जब फाग गीत में शहनाई जब जुड़ती, बाबा क्या एक अलग ही रंग है।